गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सुंदर लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और सोना संस्कार के साथ आज मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ। तो सोना संस्कार से गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये सुबह सुबह गरम गरम चाय के साथ गुड मॉर्निंग। तो आज मैं ग्लास में चाय पी रही हूँ, क्योंकि मैं ग्लास में ही चाय पीती हूँ, क्योंकि मुझे कप में पसंद नहीं है। छोटू से जैसा ग्लास लगता में है। पीते हूँ। और आप लोग चाय पियोगे? नो थैंक्स, हम पियेंगे। लीजिए। नहीं, ये लोग चाय नहीं पीता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं उठी हूँ और सुबह सुबह मुझे चाय मिला है, चाय पी रही हूँ। चाय पीने के बाद आज खाना बनाऊंगी। तो आज खाना में क्या बनाओ बच्चों? खिचड़ी, खिचड़ी और चोखा। खिचड़ी और चोखा। और तो खिचड़ी और चोखा बनाऊंगी। पाई थी तो ये आलू चढ़ाई हुई चोखा बनाऊंगी। और ये गरम पानी की हूँ, इसमें बनाऊंगी कुछ, और इसमें भी गरम पानी की चढ़ा दी हुई हूँ। और ये देखो क्या है, ये चावल का आटा है और इसमें है नारियल का पाउडर और गुड़ है। इसका मैं पिट्ठा बनाऊंगी, और इसका पिट्ठा बनाऊंगी देखो बनाने। और ये इसमें चावल और दाल धो के डाल दी हूँ, चढ़ाई नहीं कुकर पे। तो खिचड़ी बनाऊंगी और पिट्ठा बनाऊंगी, चोखा बनाऊंगी। वीडियो बने रहिए। हमारे बिहार में इस मौसम में, ठंड के मौसम में पिट्ठा जरूर बनता है, और जिसे बोला जाता है ये पूस। हाँ, पूस के मौसम में जरूर पिट्ठा खाना चाहिए। तो पिट्ठा बन रहा है, बना रही हूँ, टाइम भी हो गया है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि जल्दी से बन जाए। वीडियो में बने रहिए। इसे मैं आटा गूंद के कैसे बनाती हूँ आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आटा को मैं गूंद लेती हूँ, सॉरी गिनती हूँ दिखाई, गरम पानी में गूंद रही हूँ। देखो इसे हल्का सा गरम पानी डालूंगा और इसे गूंदूंगी। तो इसे गूंद लेती हूँ पूरा चावल को, आटा को ऐसे करके। देखो ऐसे जो है, गरम पानी में हमेशा इसे सानना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी में सानने से आटा ठीक होता है और पिट्ठा जो है फटता नहीं। इसे इस तरह करके सानने से पिट्ठा जो है सॉफ्ट होता है। अब सना गया है, अब देखिए कैसे बना रहे हैं। ये ऐसे है, ऐसे की हूँ। अब इसको अब इसमें जो ये नारियल का बुरादा है, गुड़ जो डाली हूँ, इसे भर के इस तरह करूँगी। ये मेरा पिट्ठा जो है सब बन गया। अब इसे सारा बनाऊंगी, कर इसे थोड़ी थोड़ी पानी में डालूंगी। तो वीडियो में बने रहिए। सारे पिक्चर को मैं थोड़ी देर बाद चेक करती हूँ, गैस को भी चेक कर रही हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, ये आलू का चोखा बना रही हूँ। और ये आलू को है मैश ली हूँ, थोड़ा सा और लाल हो, प्याज जो है थोड़ा सा और लाल होगा, तो इसमें ये धनिया का पत्ता डालूंगी। वीडियो बने रही, इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर रही हूँ, स्वाद अनुसार नमक भी ऐड करिएगा। उसके बाद प्याज पूरी तरह से लाल हो जाएगा, तो इसमें पत्ता ऐड करूँगी, पत्ता भी ऐड कर दूँगी, इसे मिक्स करूँगी। और तो सॉरी, आलू को जो एक मिनट तक इसे भूनूंगी, तो मेरा चोखा तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो मैं ऑफिस से भी घर आ गई हूँ और ठंड में बैठी हूँ रजाई के अंदर, सॉरी कम्बल के अंदर, रजाई के अंदर नहीं बैठी हूँ। और देखो क्या ली हूँ नाश्ता में, तो चूड़ा और मटर
किस किस को चूड़ा और मटर पसंद है कमेंट बॉक्स में बताना। मुझे तो चूड़ा और मटर बहुत पसंद है, ठंड के मौसम में मैं बहुत ही चाव से खाती हूँ चूड़ा और मटर। देखो कितना अच्छा लग रहा है खा, देखने में जब इतना अच्छा लग रहा है तो खाने भी अच्छा लगेगा। और ये संस्कु भी आ रहा, संस्कु को भी मिला है चूड़ा और मटर। ये देखो संस्कु भी खा रहा है, सोना भी आई हुई है, दोनों खा रहा है। तो आज के लिए मेरा वीडियो बस इतना ही, बाय बाय। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और वॉचिंग टाइम आप लोग बढ़ाइए। बाय बाय। Thank you.